तो हेलो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि एलवीडीटी वर्क कैसा होता है और उसका सर्किट डायग्राम। तो एलवीडीटी का हम पहले फुल फॉर्म देखेंगे। एलवीडीटी का फुल फॉर्म क्या है? एलवीडीटी का फुल फॉर्म हो गया, वो फुल फॉर्म ये है कि लीनियर डिफरेंशिएट, लीनियर डिफरेंशियल लीनियर, सॉरी यहाँ पर वेरिएबल का लिखा ही नहीं मैंने, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ये आपका एलवीडीटी का फुल फॉर्म हो गया। एलवीडीटी का मतलब लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, ट्रांसफॉर्मर। तो इसका मीनिंग क्या होगा? आप लीनियर मतलब एक सीधा सीधा तरीके से आप जब हिलाओगे, हाँ, तभी आपका आपका ये डिवाइस ट्रांसफार्मर के तरह वर्क होगा। तो मैं अब उसका वर्किंग बता दूँ कैसा है। तो एलवीडीटी में क्या होता है कि एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है। ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग, और सेकेंडरी वाइंडिंग में दो सेकेंडरी वाइंडिंग होते हैं, एक वाइंडिंग और दूसरा वाइंडिंग यहाँ पर। और इसका कनेक्शन ऐसा होता है इस प्रकार से। यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हो। ये आपका प्राइमरी होगा, प्राइमरी साइड, और सेकेंडरी साइड AS1 AS2। तो LVDT मतलब उसके अंदर लीनियर वेरिएबल होता है। तो उसमें उसमें आपका फ्लक्स ट्रांसफर होने के लिए इसके अंदर कोर लगता है। तो आप कोर ऐसे इस प्रकार से रखेंगे। ये आपका कोर हो गया। तो इस कोर का यूज क्या होता है? समझो आपका कोर इस साइड आपने खींचा, इस पर यहाँ इस साइड, तो आपका कोर ये वाला जगह छोड़ के इस जगह पे आएगा। मतलब आपका कोर यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया। तो उसमें क्या होता है, यहाँ पर फ्लक्स जो क्रिएट हो गया ना, इस S1 के यहाँ पर ज्यादा फ्लक्स इसके साथ लिंकेज होगा। मतलब फ्लक्स फ्लक्स यहाँ पर इंड्यूस होगा ज्यादा और यहाँ पर कम। इसका मीनिंग क्या होगा? आपका फ्लक्स S1 के अंदर ज्यादा हो गया एज कंपेयर S2 के। समझो आप यहाँ से चार दिया, चार एज अ फ्लक्स। तो या इस साइड कोर लिया, मतलब ये नेगेटिव साइड है आपका, इस साइड लिया, तो आपका इस साइड 3 आएगा और इस साइड कम आएगा, एक ही आएगा। तो इसका फॉर्मूला कैसा है? तो S1 - S2 आपका आउटपुट का फॉर्मूला, मतलब आपको क्या आएगा, 3 - 1, मतलब आपका आउटपुट क्या आएगा, 2। मतलब आपका इस इन इन दोनों के बीच का टर्मिनल का आपका आउटपुट होगा 2, जब आप इस साइड निगेटिव के साइड ये लेंगे। अब जिससे मुझे आपने कोर इस साइड ढकला, मतलब यहाँ से ऐसा आ गया, हाँ, यहाँ पर ले आया यहाँ से, तो ये हो गया पॉजिटिव साइड। तो पॉजिटिव साइड जब आप ढकलेंगे तो आपका यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 1 होगा। मतलब आपका ये क्या होगा, इक्वेशन 1 - 3, तो आपका आउटपुट -2 आएगा। तो इस प्रकार से लीनियर वेरिएबल यूज करते हैं। तो लीनियर वेरिएबल कहाँ पर यूज करते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि आप बड़े बड़े कंपनी में शीट बनते देखते हैं, शीट। तो शीट का समझो उसकी ये है ब्रीथ, तो उसकी जाड़ी वो थोड़ा बढ़ गया इस साइड, तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट होगा इतना। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट, इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। उससे क्या होगा, आपका कोर इस साइड निगेटिव साइड में चला जाएगा। मतलब थोड़ा इतना जितना आपका डिस्प्लेसमेंट है इस साइड चला जाएगा। तो उससे क्या आपको आउटपुट मिलेगा कि कितना यह हो गया, उसके ऊपर आपका थीट का साइज, थिकनेस आप पता कर सकते हो।
तो इस प्रकार से एलवीडीटी का यूज होता है। तो इसमें इतना ही था, और एलवीडीटी का सर्किट डायग्राम भी इसी प्रकार से दो ये प्राइमरी वाइंडिंग और दो सेकेंडरी वाइंडिंग रहते हैं। और इस प्रकार से क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसका फॉर्मूला इस प्रकार से S1 - S2, मतलब इस साइड ज़्यादा लिंकेज होगा तो S1 - S2 होगा। इस प्रकार जब आप कनेक्ट करेंगे तभी आपका माइनस होगा। अगर आपने सीरीज में कनेक्ट किया मतलब इस प्रकार से उल्टा, तो आपका ये प्लस नहीं होगा, मतलब माइनस नहीं होगा, प्लस हो जाएगा, उससे आपका रीडिंग गलत आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर इस प्रकार से लगाया जाता है, यहाँ पर है इस प्रकार से। तो उसका फ्लक्स क्रिएट हुआ यहाँ पर होगा और इसका यहाँ पर होगा ऐसा। तो इसमें इतना ही था। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपको वीडियो चाहिए तो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। धन्यवाद।